अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो भाई रात का खाना खा रहे हैं हम लोग और चने की दाल लौकी बनाई हुई थी अम्मी ने। और इधर का व्लॉग जो है हम लोग स्टार्ट करें, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करें रात के खाने से। और रात में अम्मी ने बनाया था चने की दाल लौकी, जो कि बहुत मज़ेदार था। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, नेक्स्ट टाइम बनेगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है फिर डिमांड आ जाएगी कि आप प्लीज़ रेसिपी बताएँ। तो बस क्या कहते हैं, देख लें आपको शक्ल से अंदाज़ा और होगा, जो कि मज़ेदार बनती है और इसको हम अक्सर पराठों के साथ भी खाते हैं। अच्छा, रात के खाने के बाद दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का और ज़ोया का दिल चाह रहा था कुछ गर्म पीने का, उसको ठंडा वैसे ही मना है, तो इस वजह से उसने कहा मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तो ज़ोया बनाती है अच्छी फ्रॉदी सी कॉफ़ी, और ये वो होती है ना, कौन सी कॉफ़ी चली थी, डलगोना कॉफ़ी ना। तो इस तरह से इसको आप मतलब कोल्ड भी पी सकते हैं, हॉट भी पी सकते हैं, हाँ कैपेचिनो भी कह सकते हैं इसको आप। और ये काफ़ी देर तक बीट करने के बाद फिर ये इस तरह से हो जाता है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है कॉफ़ी। अच्छा, सर्दियों में तो ये हम बना के रख देते हैं, जब हम सर्दियों में बनाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना के हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब दिल चाहता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ये होता है कि आप कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और हमारे घर में सिर्फ मेरा छोटा भाई है जो कि कहते हैं रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी पीता है, वो चाय नहीं पीता है, उसे पसंद नहीं है चाय ना। तो कॉफ़ी बनाने के बाद ज़ोया ने बनाई थी, ज़ोया ने नहीं, मैंने बनाई थी भाई मैंने बनाई थी सेवैयाँ बना रही थी और ये पिया बना रही थी। मतलब एक तरफ कॉफ़ी बन रही थी और ये मैं सेवैयाँ बना रही थी। और तकरीबन रात के 12 बजे के बाद का टाइम है और अब्बू ने कहा था उनको कुछ मीठा खाना है, तो फिर पहले मैंने सूजी तलाश की, सूजी मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा अब्बू सेवैयाँ बना लेते, और उसका एक पैकेट रखा है। मैं इत्तेफाक से एक पैकेट मैंने वैसे ही उठा लिया था इस बार और वो काम आ गया। तो अब्बू ने कहा चलो बना दो जल्दी से, तो इधर मैं सेवैयाँ बना रही थी और ज़ोया इधर बना रही थी क्या कहते हैं ये कॉफ़ी। और क्या कहते हैं सेवैयाँ मैं बहुत अरसे बाद बना रही थी। नॉर्मली ये छोटे वोटे जो काम होते हैं ना, छोटे काम नहीं होते बड़े काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कुछ बनाना होता है तो ये हम ज़ोया को खड़ा कर देते हैं कि जैसे थोड़ा सा हलवा बनाना है, अब्बू का दिल चाह रहा है या भाई का दिल चाह रहा है कि कुछ मीठा खाने का, तो हम ज़ोया को कहते हैं प्लीज़ तुम जाके बना लो, तुम देख लो ना। तो मैं काफ़ी अरसे बाद ये बना रही थी और मैं काफ़ी डर डर के बना रही थी, क्योंकि अब्बू जो है ना थोड़ा कड़क सी सेवैयाँ खानी पसंद करते हैं और इसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाए ना तो ये बहुत नरम हो जाती हैं, फिर वो नहीं खाते हैं। तो मतलब उन्होंने फरमाइश की और उनकी मर्ज़ी की ना बने तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वो खाएं और फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, कि उनका दिल चाह रहा था। तो खैर बन गई थी अच्छी सेवैयाँ और मैंने बहुत कोशिश की थी कि कम पानी डालूं, और ये देखें मज़ेदार सी कॉफ़ी आपको अच्छी लग रही होगी, ट्राई कीजिएगा। बस अब सर्दियाँ स्टार्ट ही होने वाली हैं, नवंबर से स्टार्ट होती हैं वैसे तो कराची के अंदर, हल्की हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और फिर, लेकिन हम लोग तो गर्मियों में भी पी लेते हैं कॉफ़ी जब दिल चाहता है तो। खैर अच्छा, उसके बाद ही जब सेवैयों पर मैंने दम लगा दिया था और लास्ट में ना, क्योंकि खोया वगैरह कुछ था नहीं घर में, तो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया था थोड़ा सा पाउडर मिल्क, और मैंने इसमें नट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, बस इलायची वगैरह ही डाली हुई थी और कुछ नहीं ऐड किया था इसके अंदर, बस सिंपल सी बनाई थी ये, और बस पाउडर मिल्क थोड़ा सा डाल दिया था ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और अब्बू इन्जॉय कर लें इसको। तो ये देखिए तैयार हो गई हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी हल्की सी कड़क थी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने पानी बहुत कम रखा था। जैसे चावल बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं, इसका तरीक़ेकार उसी तरह से होता है और ये बहुत मज़े की बनी थी, मैंने भी खाई थी। हाँ तो तुम्हें मीठा खाना मना थोड़ी है, बस चावल वगैरह मना है, ज़ोया को चावल खाना मना है, ठंडा खाना मना है, खट्टा खाना मना है, और इस वजह से मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती हूँ कुछ दिनों तक, उसके बाद ही खाऊंगी। तो देखते हैं कब खाना नसीब होते हैं हमें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ बेकिंग की, जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ी सी बेसिक मैं शेयर कर दूं कि आप जब मतलब स्टार्ट कर रहे हैं बेकिंग, तो आपको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या कौन कौन से आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जिसके साथ आपको सहूलत हो। मतलब मेजरिंग कप होते हैं, मेजरिंग स्पूंस होते हैं और ये हमारा स्केल होता है, सही है। ये तीन चीज़ें, ये बहुत सस्ता मिलता है, 500 का मिलता है, लाइफ टाइम है, और बस आपने इधर से इसके सेल्स डालने हैं और इसको इस्तेमाल करना है। सेल भी इसके पूरे 1 साल 1.5 साल बाद तो ख़त्म होते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये स्केल ले लें, जिससे आपको, क्योंकि आप कोई भी रेसिपी देखेंगे आपको ग्राम्स में ही मिलेगी, ग्राम्स में गलती नहीं होती है, आपके परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्केल ले लें, ज़्यादा ज़रूरी है, 500 550 रुपये का मिल जाता है ये, और
ये रखा रहेगा, आप हर चीज़ इसमें नाप सकते हैं। मतलब सिर्फ बेकिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दालें भी आपको नापनी होती हैं, सब्ज़ी है, गोश्त है, बहुत सारी चीज़ें आपको मेजर करनी होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद बेकिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ये ख़रीदना है, इंग्रेडिएंट्स की बारी बाद में आती है। उसके बाद मेजरिंग कप्स हैं, ये भी आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब तो 150-200 रुपये का एक सेट मिलता है जिसके अंदर स्पून्स भी होते हैं और ये कप भी होते हैं ना सेम, तो ये आपको मिल जाएंगे इजीली आप। और ये तो आपको क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल स्टोर्स पे भी रखे हुए होते हैं, जैसे इम्तियाज पे, मेट्रो पे रखे हुए होते हैं और चेस पे रखे हुए होते हैं, सब जगहों पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मतलब लालू खेत पे भी देखे हैं ये मैंने, सदर में भी देखे हैं ये मैंने, हैदरी में भी देखे हैं, बहुत सारे बाज़ारों में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये इसके कप होते हैं, सबसे बड़ा जो मैं आपको कहती हूँ ना, एक कप मैंने ये ऐड किया है और इस पर यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है कि ये कितने ml का है। एक्चुअली ml लिखा हुआ होता है, ग्राम्स नहीं लिखा होता, क्योंकि मैदे का जो वज़न होता है ना वो हल्का होता है और चीनी का वज़न होता है वो भारी होता है, चीनी भारी होती है, तो उसका मेजरमेंट अलग होगी। और अक्सर लोग बहस भी करते हैं कि आपने एक कप ये डाला है तो इतना आपने चीनी डाली है, तो भाई जो मैदा होता है वो हल्का होता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मैदा इसके अंदर आता है 100 ग्राम या 120 ग्राम एक कप के अंदर फुल। और उसमें भी मेजरमेंट ये होती है कि अगर आपने बहुत भरा हुआ लिया है या बिल्कुल लेवल लिया है या बिल्कुल आपने उसको काट दिया है, मतलब बिल्कुल उसको भर के आपने यूँ लेवल कर दिया है। जब हम लेवल कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने इसको भरा और इसके बाद फिंगर से या नाइफ से हमने पूरा इसको काट दिया, इस तरह से लेवल कर दिया, तो वो लेवल होता है, वो तकरीबन ऐसे होता है 110 या 120 ग्राम्स के बराबर होता है। बनिस्बत अगर आप चीनी लेंगे ना तो चीनी जो है 200 ग्राम्स के बराबर होती है, 250 तक हो जाती है भारी। दानेदार चीनी जो होती है वो 250 तक हो जाती है, लेकिन पाउडर चीनी, घर की पाउडर चीनी और आइसिंग शुगर दोनों के मेजरमेंट में फ़र्क है। तो इसलिए मैं कप्स से भी बता देती हूँ, आपको ग्राम्स में भी बता देती हूँ, ग्राम्स में ही ज़्यादातर मैं बताती हूँ, अब बताने लगी हूँ कप्स के अंदर भी, क्योंकि मैं ग्राम्स में ही मेजर करती हूँ, मुझे ग्राम्स ही ज़्यादा याद रहता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग ये ले लीजिए। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपका कप कितने ml का था। भाई कप जो है ना, एक कप वो उस पर लिखा हुआ होता है 250 ml ही लिखा होता है, एक कप 250 ml का ही होता है। तो इस मतलब देखा, ये एक मेजरमेंट है ना, ये पूरी दुनिया में यही मेजरमेंट चल रही है। आप इंटरनेशनल रेसिपीज उठा के देख लें, वो यही मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये एक मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो मतलब ये मेजरिंग कप्स आपको पूरी दुनिया में एक ही नाप के मिलेंगे और एक ही मेजरमेंट के साथ मिलेंगे, इसका कोई नाप या कप चेंज नहीं होता, या हम चाय वाला कप नहीं यूज़ कर रहे, हम मेजरिंग कप की बात कर रहे होते हैं। तो ये एक कप होता है, इसके साथ होता है ये आधा कप, फिर ये आता है 1/3 कप। 1/3 कप जो होता है ना, एक कप का तिहाई हिस्सा 1/3 कप होता है। ये आ गया 1/4 कप और ये हो गया 1/8 कप, सही है। तो ये इस तरह से सारे कप्स होते हैं जिसमें, जो हमारी आसानी के लिए ही दिए हुए हैं, एक बार ख़रीद लें 150-200 रुपये का होता है और ये ख़राब भी नहीं होता। इसी तरह से ये स्पून्स होते हैं, ये 1 टेबल स्पून है, ये 1/2 टेबल स्पून है, ये 1 teaspoon है, ये 1/2 teaspoon है, ये 1/4 teaspoon है। इसी तरह से स्पून्स भी होते हैं। तो ये बस चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो एक बार ये ख़रीद लेंगे आपके लिए ही आसानी हो जाएगी, जो लोग भी बेकिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और इससे सिर्फ बेकिंग की चीज़ें नहीं नापी जाती, बाकी घर में जितनी भी ग्रॉसरी होती है आप सारी मेजर चीज़ें करते हैं। और आजकल आप कोई भी रेसिपी उठा के देख लें, आपको हलवा बनाना है तो वो भी आपको कप के उससे ही बता रहे होंगे या ग्राम्स में बता रहे होंगे। कोई भी चीज़ बनानी है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, किचन के अंदर होना चाहिए। और मैं ये बचपन से ही यूज़ कर रही हूँ, बचपन से मेरे किचन में मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स वगैरह हुआ करते थे। खैर ये हो गया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है मैं यूज़ करती हूँ ये डफ का, और अगर आप मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो यही ख़रीद लें, ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं किसी दूसरे पे जाती हूँ तो मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। तो अगर आप मेरी जानना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, सालों से यूज़ कर रही हूँ, बीच में ये शॉर्ट हो गया था अभी लॉकडाउन में, तो मैंने इंग्लिश का यूज़ किया था लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी। तो ये ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो इसमें आपके 2-3 साइज मिल जाते हैं, मुझे मिल गए थे तो मैंने ले लिए थे, क्योंकि दोबारा से शॉर्ट ना हो जाए। उसके बाद आता है मैदा।
मैदे पे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि देख के लिया करें। अच्छा यहाँ पे ना जो स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स पे जो मैदा मिलता है वो मीडियम क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का नहीं होता। जबकि अगर आप किसी अच्छी बेकरीज वगैरह में जाएं ना, जो जिनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या जो ब्रेड्स बना रहे हैं या केक्स ही बना रहे हैं खाली, तो उनके उनको पता होगा कि यार ये हाई क्वालिटी का मैदा कहाँ से मिलता है। तो हम लोगों को बहुत सर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके मिलता है, और हम इतने बड़े बल्ब में ख़रीद नहीं सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ये पूनम वाला मैदा यूज़ करती हूँ, ये मीडियम क्वालिटी का, ये एटलीस्ट हमारी चीज़ों को ख़राब नहीं करता है और हमें क्या कहते हैं मिनिमम रिज़ल्ट अच्छे में ही मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी के पास क्या कहते हैं स्टोर्स वगैरह है ना, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूनम का ही ख़रीदें। स्टोर से इसलिए कह रही हूँ, स्टोर से हाँ वो अच्छा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। वो जो आप खुला लेते हैं ना मैदा, जैसे तो वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। हाँ। तो आप किसी भी स्टोर से आप लेंगे ना तो आपको अच्छी वो थोड़ी बेटर क्वालिटी होती है। तो इस वजह से आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, जैसे चेस पे से ले सकते हैं, आप मेट्रो से ले सकते हैं, या घर के करीब जो भी स्टोर, कारफोर से ले सकते हैं, घर के करीब जो भी स्टोर होते हैं, मार्ट्स बने हुए होते हैं सबके एरियाज में बने हुए मार्ट्स तो अब तो, और बहुत सहूलत हो गई है। तो आप अपने मार्ट्स वगैरह पे से जाके मैदा ले सकते हो, मीडियम क्वालिटी का होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनिस्बत आप वो खुला मैदा नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ना लो होती है, वो बहुत सस्ता वाला मैदा होता है, बहुत लो क्वालिटी का होता है। अच्छा उसके बाद आते हैं शुगर पे। अच्छा मैं घर में चीनी नहीं पीसती हूँ, सही है, मैं कभी भी, क्योंकि मैं अक्सर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, हम आइसिंग शुगर कहाँ से लें ये वो, तो इसलिए मैं उनको कह देती हूँ भाई आप घर की किसी भी चीनी यूज़ कर लें या फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टार के नाम से शुगर मिल जाती है, ये आपको सदर में ही मिलेगी या फिर आपको मिलेगी हुसैनाबाद में, जो मेमन फाउंडेशन एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है, उसके सामने शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारी बेकिंग की शॉप्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप से। 1 kg की मिल जाती है और अच्छी खासी चल, और ये 120 की अब हो गई है, पहले शायद 100 की मिलती थी, क्योंकि अभी चीनी के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। इससे ये होता है हमें पीसनी नहीं पड़ती, पाउडर फॉर्म में हमें चीनी मिल जाती है, और क्या कहते हैं पीस के, क्या पीस के छानो और ये सब करो, उसमें बड़ा झंझट होता है। तो मैं ये ख़रीद लेती हूँ पैकेट्स, जो मेरे पास रखे होते हैं, 1 kg के मिलते हैं, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है और इसमें रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि बिल्कुल पाउडर फॉर्म की शुगर है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं मिक्स हुआ हुआ, ये सब शुगर है, पाउडर शुगर। ये आइसिंग शुगर के नाम से ही मिलती है, क्योंकि बेकरीज वाले यूज़ करते हैं, इसलिए ये 1 kg के पैकेट्स होते हैं। जाहिर सी बात है जो बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे कि वो चीनी लें और पीसें, और कुछ चीज़ों में नॉर्मल शुगर यूज़ होती है तो मैं कुछ चीज़ों में नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर लेती हूँ, बस ये आपके टाइम को सेव करती है। उसके बाद आ जाते हैं कोको पाउडर पे। अच्छा पहले तो मैं यही वाला कोको पाउडर यूज़ किया करती थी, उसके बाद ये कैडबरी का कोका है, ठीक है, इसमें 2-3 क्वालिटीज़ आती हैं, ये होता है ये बिटर होता है, इसके अंदर कुछ नहीं मिक्स हुआ हुआ। एक आता है पर्पल कलर की जो बॉटल होती है इसकी, उसके अंदर शुगर मिक्स होती है, वो ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर हैगा, इसलिए उसमें शुगर होती है। एक ये है, एक इसमें ब्लैक कलर का होता है, ये ज़रा लाइट कलर का, मैं आपको दिखाऊं खोल के, ये थोड़ा सा लाइट कलर का है अगर आपको दिख रहा है तो, सही लाइट कलर का है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इस तरह से हर्शीज़ का भी मिलता है, आप लोग वो भी ले सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना तो। अच्छा ये मैं सब क्या कहते हैं केक्स में नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कुछ आइसिंग्स बनानी होती है जिसके अंदर मुझे रिच फ्लेवर चाहिए होता है, ये सिर्फ मैं उसी में इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मेरे ऑर्डर वर्क जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। 250 ग्राम का पैकेट है, शायद ये 600 का ऐसे ही होता है, 500-600 के बराबर का ही होता है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है हमें, और बनिस्बत ये लोकल वाले के। अच्छा ये लोकल नहीं है, ये मेरे पास ये कोको पाउडर की बॉटल नहीं है, मेरे घर वाली बॉटल है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये इस बॉटल में मैं रखती हूँ, ये ऑयल की बॉटल थी और मैं इसी के अंदर रखती हूँ अपना कोको पाउडर, और मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा इस कोको पाउडर की आपको दिख रहा होगा, इस कोको पाउडर की, ये कोको पाउडर थोड़ा सा डार्क होता है, सॉरी ये कोको पाउडर थोड़ा सा डार्क है वो वाले कोको पाउडर से, सही, लेकिन इसकी जो खुशबू है और इसकी खुशबू,
ये काफ़ी मैच करती है। तो ये कैडबरी का जो कोको है ना, ये इसकी जैसी इसकी खुशबू होती है ये वाले कोको पाउडर की। ये मलेशियन कोको पाउडर है और शायद इसको बेरी का कोको पाउडर भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा इसको एक और नाम से कहते हैं, मिलता है कैलबर का, हाँ कैलबर कहते हैं शायद, तो इसके नाम से मिलता है। अच्छा ये जो है ना, ये हमें खुला मिलता है, मतलब लूज़ में मिलता है ये हमको ना कोको पाउडर। ये लूज़ में इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी सी ना बोरियाँ होती हैं 5-5 किलो की, तो ये लोग ख़रीदते हैं ना। अब ये जो बहुत बड़े बड़े बेकर्स वगैरह हैं वो लोग तो जैसे रहते हैं पूरा 5 किलो ख़रीद लेते होंगे, हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, हमें आधा किलो या 1 किलो या 1 पाव, इससे ज़्यादा तो नहीं ख़रीदेंगे हम, क्योंकि हम होम बेकर्स हैं, हम लोगों ने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं खोली हुई अपनी। तो क्या कहते हैं, ये मैं 1 पाव या फिर आधा किलो ही ख़रीदती हूँ, ये मेरा कुछ चल जाता है 4-5 महीने, या कभी ऑर्डर ज़्यादा होते तो ज़्यादा भी मेरा चल जाता है, लेकिन मैं इतना ही ख़रीदती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ख़रीदती हूँ ये। और ये आपको ईजीली मिल जाएगा सदर से, आपको बहुत ईजीली मिलेगा। सदर में एक स्टोर है सलीम स्टोर के नाम से, वहाँ से मैं अपना सामान ख़रीदती हूँ, या फिर आप मार्केट में इम्प्रेस मार्केट के अंदर बना हुआ है, या फिर आप पहले वो होते थे असगर भाई होते थे, उनका उनकी शॉप चेंज हो गई है, इम्प्रेस मार्केट की जो शॉप जहाँ पर शिफ्ट हुई है ना जिस मार्केट के अंदर, वो इम्प्रेस मार्केट की तरफ ही है, क्या कहते हैं एक मार्केट है वहाँ पे शिफ्ट हुई है। आप लोग असगर भाई के पास से भी जाके ये वाला कोको ले सकते हैं, उनके पास से बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, हम लोग वहाँ से भी जाके सामान लेते हैं। और इसके अलावा ये आपको उधर से मिल जाएगा, ये वाला कोको पाउडर क्या कहते हैं हुसैनाबाद से मिल जाएगा, मीमन के सामने से, माई बेकिंग शॉप पे से, नाम क्या था उनका भाई का, यूसुफ भाई की शॉप पे से मिल जाएगा ये वाला कोको पाउडर आपको ईजिली, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं चॉकलेट्स के ऊपर। अच्छा ऑर्डर वर्क में मैं चॉकलेट जो यूज़ करती हूँ वो है सेलबॉर्न। अच्छा इसका पैकेट कटा हुआ है, मैं आपको पूरा लोगो नहीं दिखा पाऊँगी, आप सर्च कर लीजिएगा। ये 2 kg का बार मिलता है और अब शायद मिलेगा ये, इसके मुझे प्राइस नहीं याद है एग्जैक्टली, ये मैंने 6 महीने पहले ख़रीदा था जो कि अब इतना सा रह गया, 1 पाव चॉकलेट बची है इसके अंदर। इसके प्राइस मैं देख के आपको मेंशन करके बता दूंगी, शायद ये 2000 रुपये तक का इस तरह से ही मिलता है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और ये 2 kg के बार्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैं इकट्ठे ख़रीदती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, तो मैं पूरा ये बार ख़रीद लेती हूँ। ये सेलबॉर्न चॉकलेट है जो मैं ऑर्डर वर्क में यूज़ करती हूँ, और ताकि मेरी कोशिश होती है बेस्ट क्वालिटी ही दूँ जो भी कहते हैं मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। एक तो ये वाली यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मुझे आजकल इसका भी कुछ दिसंबर से यूज़ कर रही हूँ ये वाली चॉकलेट में, ये मैंने अभी मंगवाया था, और ये मैंने मंगवाया था यूसुफ भाई से, उनकी शॉप पे होता तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पुरानी कस्टमर हूँ, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि यूसुफ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे मंगवा के दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप उनसे मंगवा सकते हैं, या फिर ये आपको ईजिली सदर से मिल जाएगा इम्प्रेस मार्केट में, जिनका मैंने नाम लिया आपसे सलीम स्टोर पे से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे से जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे से आपको ये इजीली मिल जाएगी ये वाली चॉकलेट। 2 kg का बार है, लेकिन आप लोग ना ये कर सकते हैं, जैसे 4 लड़कियाँ ले लें तो 1/2 kg डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 kg नहीं लेना चाहते तो फिर 2 लड़कियाँ ले, कजन्स के साथ मिल के ले लें, आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। ये कितने का मिलता है भैया? ये है कुछ 950 या फिर 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, 900 का, कोई 900 का दे रहा है ये, कोई 950 का दे रहा है, कोई 1000 रुपीज़ का दे रहा है, तो ये 2 kg का बार है ऐसे, ठीक है। अच्छा ये वाली जो चॉकलेट्स होती है ना, मैं इसको रखने का आपको तरीका बता दूँ, इसको कभी भी आपने ना पैकेट खोला नहीं छोड़ना है। अच्छा ये पूरा पैक हुआ हुआ था शॉपर के अंदर, इसको ऐसे लपेट के मैंने पैक किया हुआ था, ठीक है। तो ये ज़रा शॉपर के अंदर है क्योंकि सेलबॉर्न की मुझे पहचान करनी होती है, इसको मैं पैकेट में से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 किस्म की चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं। और ये वाली जो चॉकलेट्स होती है ना, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी, इसको भी मैं अपने क्या कहते हैं ऑर्डर वर्क में यूज़ करती हूँ, जो मेरे क्रीम केक्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ करती हूँ, और गनाश वगैरह भी मैं इसी से बनाती हूँ। लेकिन जो मेरे फॉन्डेंट केक होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, उसके अंदर मैं सेलबॉर्न ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उनसे इतना चार्ज कर रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव दे रहे हैं, 1200 रुपये पर पाउंड देते हैं क्या कहते हैं फॉन्डेंट केक, तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको एक ज़रा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दें, तो इस वजह से मैं फॉन्डेंट में तो यही वाली चॉकलेट यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो मेरे क्रीम केक्स हैं उसके अंदर मैं ये वाली चॉकलेट यूज़ करती हूँ, या घर में
कोई भी डिजर्ट बनाना है, कोई भी चीज करनी है, वो मैं ये वाली चॉकलेट यूज के लिए यही चॉकलेट यूज हो रही होती है, यही वाली चॉकलेट। तो आप लोग कहते हैं ना कितना अच्छा रिजल्ट कैसे आया, तो ये चॉकलेट यूज, हाँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मैं इसलिए ये वाली चॉकलेट यूज कर रही हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सी मैंने चॉकलेट्स यूज की है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा बिटर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं है, तो मुझे जरा इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। और बनिस्बत ये थोड़ी सी बिटर होती है, ये बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होती है, तो इसको हमें थोड़ा सा स्वीट करना पड़ता है। खैर, अच्छा, इसको रखने का तरीका मैं बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये ब्लॉग खोलती हूँ, ये जब मैं खोलूँगी ना ब्लॉग, फिर मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ। ये ब्लॉग खोलती हूँ और इसके 250 ग्राम्स के ना इसके स्लैब्स ना इस तरह से कट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इसे कट करके क्लिन में रैप करती हूँ मैं उसको, और फिर मैं बॉक्स के अंदर करके रख देती हूँ। और जिस बॉक्स में आप चॉकलेट रखेंगे, कोको पाउडर रखेंगे, अपना खुला कोको पाउडर रखेंगे, ये आइसिंग शुगर रखेंगे, उसके अंदर आप और कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें मसालों के अंदर कभी भी मत रखिएगा, ये ऐसे बॉक्स मत रखिएगा जिसमें और कोई स्पाइसेस रखे हुए, क्योंकि इनके अंदर उसकी स्मेल आ जाती है, तो ये वाली चीज़ें सारी आपकी फिर बेकार हो जाती हैं। इसलिए मैं मैदा तक अलग रखती हूँ अपना, उसके बॉक्स अलग हैंगे, वो अलग ही बॉक्स में रखी जाती हैं मेरी चीज़ें, जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मेल आ जाती है खाने पीने की चीज़ों की, और मसालों की स्मेल आ जाती है, तो ये बड़ा ख़राब मामला हो जाता है। फ्रिज में नहीं रखते इन चॉकलेट्स को, इन चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़ नहीं करिएगा। इनका बटर जो है वो फिर सेपरेट होने लग जाता है, मेल्ट नहीं होती है, डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखें, लेकिन जो चॉकलेट्स हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन खैर मैंने सिखाई नहीं है अभी तक, मैं बता रही हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, जो चॉकलेट्स हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं, सही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। तो खैर, ये बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे देनी थी आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं जो कि हमेशा ही रहते हैं, और बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमें लिंक देते हैं, बता दें कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदी। तो जो कराची में रहते हैं, मैं उन्हीं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, और मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ किसी को भी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदी। मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, ऑनलाइन नहीं ख़रीदते ये, हाँ, ये वाली चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं ख़रीदते। जो ऑनलाइन ख़रीदती हूँ वो मैं उधर मैंशन कर देती हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ। और ऑनलाइन वगैरह ये सब सर्च करना आपका काम है, ये सर्च करके मैं नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को। और जिसको भी जाना है तो भाई आप शॉप पे जाएं, मैंने क्या कहते हैं, हुसैनाबाद का भी आपको बता दिया है, सदर का भी बता दिया है आपको, और भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ से ये सारा सामान मिल सकता है ईजीली। तो आप लोग जाइए, जाके चेक कीजिए, सर्च कीजिए, और ये सामान अपना मंगवा सकते हैं। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बहुत टाइम बाद मैंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ही शेयर की है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, इसका स्लैब जब मैं कट करूँगी ना, उसकी भी वीडियो मैं किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी, आप लोगों को बता दूँगी किस तरह से मैं कट करती हूँ और किस तरह से इसको मेजर करती हूँ। अच्छा, इस तरह की वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान रहता है उसके हवाले से मैं सारी वीडियोस बनाती रहूँगी। और फोंडेंट वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ, उस पर जब हम काम स्टार्ट करेंगे तब मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो अभी इसकी इन्हीं चीज़ों पर काम हो रहा है तो इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और जो भी कोई सामान लाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो हूँ अपने ये वाले चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहा करें और समझते रहा करें, मेरी ग्रॉसरी देख लिया करें, मेरे ग्रॉसरी के ब्लॉग देख लिया करें। जो लोग ये देखना चाहते हैं कि मैं कौन से ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो वो लोग मेरी ग्रॉसरी के हॉल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर करेंगे अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मुझे और जोया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।